पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि एक वृत्त पर ए बी और सी तीन बिंदु इस प्रकार से हैं कि केंद्र ओ पर ए बी और ए सी जीवाओं द्वारा अंतरित कोण क्रमशः 90 डिग्री और 110 डिग्री हैं तथा केंद्र ओ कोण बी ए सी के भीतर स्थित है, कोण बी ए सी का मान कितना होगा। ये प्रश्न आपका एसएससी एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एक वृत्त है, वृत्त पर ए बी और सी तीन बिंदु इस प्रकार से हैं कि केंद्र ओ पर जीवा ए बी के द्वारा 90 डिग्री का कोण बनता है तथा जीवा ए सी के द्वारा केंद्र ओ पर 110 डिग्री का कोण बनता है तथा केंद्र ओ कोण बी ए सी के भीतर में स्थित है, तो कह रहा है कि कोण बी ए सी का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा किसी बिंदु के चारों तरफ बने सभी कोण का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, तो जोड़ देंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, सब कोण को मिला देंगे तो बिंदु के चारों तरफ बने कोण का योगफल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। दिस लुक लाइक कोण ए ओ बी का मान 90 डिग्री प्लस कोण ए ओ सी का मान 110 डिग्री प्लस कोण बी ओ सी बराबर जो है 360 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 200 डिग्री को राइट साइड में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 200 डिग्री, तो 360 में 200 घटा देंगे कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो कहने का मतलब कोण बी ओ सी बराबर निकला 160 डिग्री, कोण बी ओ सी ये कोण निकला आपका 160 डिग्री। अब याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्या बताए, याद रखिएगा किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो याद रखिएगा कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 2 कोण बी ए सी। कैसे हुआ, किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है दुगुना होता है। तो ये कोण जो है इस कोण का क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, तो कोण बी ओ सी का मान निकला है 160 डिग्री बराबर 2 कोण बी ए सी, तो दिस इंप्लाइज कोण बी ए सी का मान कितना हो जाएगा 2 को इधर कर देंगे तो 160 डिग्री बटे 2 कटा देंगे 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 80 डिग्री। और 80 डिग्री देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 70 डिग्री, कोण बीएसी बराबर 40 डिग्री तथा भुजाओं का लंब संविभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, कोण बीओसी का मान कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये प्रश्न भी, आपका एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, कोण बीसीए बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है तथा भुजाओं का लंब समविभाजक, भुजाओं का लंब समविभाजक ए बी ए सी और बी सी का लंब समविभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं,
तो कह रहे हैं कि कौन BOC का मान कितना होगा, तो BOC को मिला देंगे, AO को मिला देंगे, तो कह रहे हैं कौन BOC का मान कितना होगा, कौन BOC का मान कितना होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो दिस इंप्लाइज कौन A प्लस कौन B का मान कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, प्लस कौन C का मान कितना दिया हुआ है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कौन A का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 40 कितना हो गया 110 डिग्री, 110 को राइट साइड में कर देंगे तो माइनस 110 डिग्री। तो कौन A बराबर कितना हो जाएगा 180 में 110 घटा देंगे तो कितना होगा 70 डिग्री। तो कौन A का मान निकला 70 डिग्री, 70 डिग्री निकला। अब कह रहा है कि भुजाओं का लंब समद्विभाजक ए बी बी सी और ए सी का लंब समद्विभाजक बिंदु O पर मिलता है। तो भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, अर्थात O त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, अर्थात वृत्त का केंद्र जो है O हो गया, वृत्त का केंद्र O हो गया। अब याद रखिएगा कि किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है दुगुना होता है। क्या हम बोले कोण BOC बराबर जो होगा 2 कोण BAC, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। चाप BC के द्वारा केंद्र O पर बना कोण चाप BC के द्वारा ही वृत्त के शेष भाग पर बिंदु A पर बने कोण का क्या होगा दुगुना होगा, अर्थात कोण BOC बराबर 2 कोण BAC बराबर 2। अब कोण BAC का मान निकला है 70 डिग्री तो गुणा कर देंगे 70 गुना कितना जगह 140 डिग्री। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 140 डिग्री, और 140 डिग्री आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और O परिकेंद्र है तो कोण AOC का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न आपको SSC एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और O त्रिभुज का परिकेंद्र है, तो कह रहा है कि कौन AOC का मान क्या होगा। तो क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर होता है, अर्थात समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, कोण B 60 डिग्री, कोण A 60 डिग्री, कोण C 60 डिग्री। अब क्योंकि O त्रिभुज का परिकेंद्र है, O त्रिभुज का त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, अर्थात O जो है वृत्त का क्या हो गया केंद्र हो गया,
देखिए क्या कह रहा है कि ओ त्रिभुज का परिकेंद्र है, कहने का मतलब ओ वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब देखिए एसी क्या है, चाप है, तो चाप एसी के द्वारा केंद्र पर बना कौन कहता है क्या होगा, ये कौन आपको निकालना है, कौन एओसी क्या होगा। तो याद रखिएगा कौन एओसी बराबर हो जाएगा टू कौन एबीसी, वृत्त के केंद्र पर बना कौन, परिधि पर बने कौन का दुगुना होता है। चाप एसी के द्वारा केंद्र पर बना कौन, इसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कौन का क्या होगा, दुगुना होगा। अर्थात कौन एओसी बराबर टू कौन एबीसी, टू और कौन एबीसी का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 गुना 120 डिग्री, तो कौन एओसी का मान निकलेगा 120 डिग्री, तो करेक्ट आंसर होगा 120 डिग्री। और 120 डिग्री आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री, रेखाखंड पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर और रेखाखंड पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ये प्रश्न आपका एसएससी एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए कौन क्यू पी आर 90 डिग्री दिया हुआ है, सिंस कौन पी बराबर जो है 90 डिग्री, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन पी बराबर जो है 90 डिग्री है, तो लंब के सामने भुजा कर्ण होती है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी आर का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्लस पी क्यू का मान 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 6 या 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 या 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 प्लस 64 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर का मान हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यू आर बराबर कितना जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो दिस इंप्लाइज क्यू आर का मान निकला 10 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान निकला 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर के परिवृत्त का, तो मान लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का जो है परिवृत्त का केंद्र ओ है, अर्थात वृत्त का केंद्र क्या हो गया ओ हो गया, तो ये क्यू आर क्या हो गया डायमीटर हो गया, तो बताइए त्रिज्या जो है त्रिज्या ओ आर क्या होगा डायमीटर क्यू आर का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्यू आर निकला है 10 सेंटीमीटर बाय 2, 25 या 10 बराबर 5 सेंटीमीटर, तो करेक्ट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर, अर्थात परिवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम लोग जो है अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।